150 सीटों पर प्रचंड जीत का जश्न वो भी अभी से ही कांग्रेस मना रही है। तो बता दें कि जिस तरीके से प्रचंड जीत का तबाही का यहाँ पे मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है, वो भी कांग्रेस को, तो इस पे मैं कहना चाहूँगा कि अब की बार तो मोदी जी की पखियाँ ही उखड़ गई, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें बताई जा रही है और 230 सीटों पर यहाँ पे 150 सीटें कांग्रेस अभी से ही दावा कर रही है और उस 150 सीटों पर 80% जीतने का यहाँ पे दावा भी कर रही है कांग्रेस। तो देखने वाली बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस में इतना ज़्यादा तहड़का मचाई हुई है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर आज प्रियंका गांधी भी आई और प्रियंका गांधी सभी को संबोधित भी किया और नर्मदा नदी पर उन्होंने पूजा भी रखा, पूजा अर्चना भी की, तो वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि आपको अगर 1000 में गैस सिलेंडर मिल रहा है तो 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा और जो भी बिजली यहाँ पे आई हुई अगर आपको बिजली बिल आ रहे हैं तो उसमें से आधी आपको देना होगा, यानी 200 यूनिट आपका बिजली बिल गिर रहा है तो 100 ही आपको देना होगा, आधा फ्री दिया जाएगा। तो देखने वाली थी कि कांग्रेस सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है कि कर्नाटक में अब की बार फिर जो चीज होने वाला है वो तहलका मचाने वाला है, वो भी कांग्रेस, और जिस तरीके से बीजेपी सरकार यानी शिवराज सिंह वहां पे है सरकार और उन्होंने पूरी के पूरे भ्रष्ट कर दिया है मध्य प्रदेश को और उस पर दावा कस रही है कांग्रेस की अब की बार हमारी ही यहां पर सरकार आएगी, और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर सरकार आई है वैसा ही तहलका मचाते हुए यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो देखने वाली बात है कि 80 सीटों का यहाँ पे जिस तरीके से पहले दावा किया गया था अभी तो 150 सीटों पर उनकी हाथ लपक आई है और 80% जीतने का चांस यहाँ पे बताई जा रही है कांग्रेस सरकार की तरफ से। तो मोदी जी की अब की बार पोखियाँ उखड़ने वाली है और वो चारों तरफ से बताया जा रहा है कि अब की बार घेरने वाली है कांग्रेस। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से इतना मुमकिन है क्या बीजेपी को घेरना, सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को घेरना इतना मुमकिन नहीं है, वो अपना चाल बनाकर घेरेगी। तो देखने वाली बात है कि जिस तरीके से 150 सीटों पर अभी दावा कर रही है कांग्रेस, आगे आगे होता है क्या आखिर में, जिस तरीके से 80% चीज जीतने का चांस है तो उसको कैसे 40% पर लाती है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो देखने वाली बात है कि आगे आगे माहौल क्या होता है और आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने होड़ मचाते हुए मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री ली और जिस तरीके से लोगों को बताई कि ये आपको मिलने वाला है, तो वो सरकार कांग्रेस शायद दे भी सकती है और वो कहती है कि हम सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो आगे आगे होता है क्या, कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से होने हैं वो तो होगा ही और विधानसभा चुनाव जिस तरीके से होने हैं कुछ ही महीने में वो अलग ही देखने को मिल रहा है। तो आगे आगे देखिए कि होता है क्या और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी तो वो अच्छी बात है कि लोगों को कुछ मिलना ज़रूरी होगा। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।